लीजिए दोस्तों एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक रियल आइसक्रीम मेकर। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने तो बहुत बढ़िया आइसक्रीम यहाँ पे बनाई है, खा भी रहे हैं। फिलहाल मैंने जो है बहुत पहले एक आइसक्रीम बनाई थी, बट वो जो किट अलग था, ये किट बिल्कुल अलग है। फिलहाल आज की वीडियो में ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या वाकई में हम रियल आइसक्रीम बना सकते हैं इस किट की मदद से। तो बिना किसी देरी के जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, शुरू करते हैं प्रोसेस और बनाते हैं प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंट किट और कई तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों बॉक्स मेरी आंखों के सामने है और इसके ऊपर लिखा हुआ है फायर्ड आइसक्रीम। एज यहाँ पे 8+ के ऊपर के लोग इससे खेल सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है भैया, कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, स्टेप्स वगैरह कुछ लिखे हुए हैं। इधर की साइड में देखे तो भैया प्राइस दोस्तों कहीं नहीं लिखी हुई है, बट मैं आपको बता दूं मुझे ये 2000 रुपीस के आसपास मिल गई थी। लिंक होगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और ये 100% सेफ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, मतलब भैया फायर वायर का कोई यूज़ नहीं होगा। और देखिए आप इसमें आप आइसक्रीम बना सकते हो, जूस वगैरह भी कुछ दिख रहे हैं, पता नहीं जूस का क्या काम है, फिलहाल मुझे आइसक्रीम पता है। और ये चॉकलेट भी इसमें बना सकते हो, मिल्क कैन योगर्ट, मतलब दही वही क्या क्या बनेगा इसमें। फिलहाल हम यहाँ पर ट्राई करेंगे आइसक्रीम, बट उससे पहले इसे ओपन तो करना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से करते हैं इसको ओपन और कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों बॉक्स ओपन हो चुका है, आपको दिख रहा होगा ज्यादा कुछ सामान यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले ऊपर कुछ डिबिया विबिया सी रखी हुई है, इन्हें हम बाद में निकालेंगे बाहर, बट उससे पहले मेन आइटम ये एक ट्रे जैसी है दोस्तों, इसको बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं भैया ये कौन सी ट्रे है, इसमें क्या होता है। तो ये इधर से फाड़ के इसे बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये मेरे हाथों में आ चुके और मैं आपको बता दूं दोस्तों ये जो है भारी है भैया, मतलब। और ये एल्युमिनियम की ऊपर एक प्लेट लगी हुई है और अंदर कुछ मुझे लिक्विड जैसा फील हो रहा है दोस्तों इसके, मतलब कुछ जेल है लिक्विड है मुझे नहीं पता। पीछे आपको सेक्शन के लिए कुछ वॉल्व दिख रहे होंगे ताकि जब भी आप इसे बनाएं तो आराम से एक जगह पे स्टेबल हो सके, बट यार ये भारी काफ़ी है। इसके अंदर कुछ पानी पानी जैसा, कुछ जेल जैसा कुछ तो है इसके अंदर। तो फिलहाल काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। साइड में प्लास्टिक आपको दिख रहा होगा बट अंदर एल्युमिनियम है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमको ये बाउल प्लास्टिक के मिल जाते हैं, दो बाउल, नॉर्मल सी क्वालिटी है जैसे कि आपने पहले भी देखे हुए हैं काफी सारे वीडियोस में। और ये कुछ चीजें हैं, इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। सबसे पहले एक जार हमको मिलता है, ओके इससे हम शेप कह सकते हो दे सकते हैं आइसक्रीम को। इसके अंदर हम डालेंगे आइसक्रीम और वो बचपन में चिप्स वगैरह मम्मियाँ बनाती थी यार, वैसे ही कुछ समझ लीजिए आप, शेप वगैरह इससे मतलब हम दे सकते हैं। और ये कुछ कंटेनर कुछ सॉल्ट वॉल टाइप जैसा लग रहा है, मतलब जैसे नमक भरेंगे अंदर, पर इसके अंदर डालेंगे क्या मुझे नहीं पता, बट फिलहाल कुछ इस तरह से छिड़केंगे तो वो बाहर से निकल जाएंगे, आपको समझ आई क्या होगा। फिलहाल इसके अंदर कुछ स्पून्स वगैरह हैं तो उनको भी एक बार देख लिया जाए। तो दोस्तों ये है हमारा स्क्रैपर, आप इसे कह सकते हो आइसक्रीम बनाएंगे तो ये हमारे काम में आएगा। आगे से थोड़ा सा शार्प लगता है बट प्लास्टिक का है, तो देखेंगे कैसे काम करता है ये। उसके बाद में एक और यहाँ पे हमें स्क्रैपर टाइप ही, बट थोड़ा सा इसमें स्पेस ज़्यादा है, तो ये भी यूज़ करेंगे हम आइसक्रीम बनाने में। और इसके ठीक नीचे एक सर्विंग स्पून आप इसे कह सकते हो, जब आइसक्रीम बन जाएगी तो भैया इसे निकालेंगे। और लास्ट में भैया ईटिंग स्पून, मतलब आइसक्रीम बन जाएगी तो इनसे हम खाएंगे। दोस्तों बॉक्स के ऊपर यार कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये तीन स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं और इन्हीं के बेस पे मुझे आइसक्रीम बनानी है। तो दोस्तों यार कुछ गलती वलती हो जाए तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, बट तुम्हारा भाई जो है गूगल कर लेगा और ट्राई करेगा यहाँ पे बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाने की। तो चलिए अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपनी आइसक्रीम बनाना। सबसे पहले हम इस ट्रे को ले लेंगे और दोस्तों इसे हम उल्टा कर देंगे, मतलब इसे पलट देंगे। अब करना क्या, कुछ नहीं करना भैया, सबसे पहले इसे फ्रीजर में हमको रखना है 7 से 8 घंटे। तो मैंने देखिए फ्रीजर में रख दिया और बिल्कुल मतलब जो भी नॉब वगैरह होता है ना उसका, मतलब जो भी डिग्री टेम्परेचर उसको हाई पे कर देना है। तो मैं पूरा इसको घुमा देता हूँ ताकि ठंडा हो जाए बिल्कुल, और फिर हम देखते हैं क्या होता है। बट उससे पहले यहाँ पे एक डिब्बी हमको मिली थी तो इसके अंदर में स्प्रिंकलर वगैरह भर देते हैं ताकि बाद में जब हम डेकोरेट करें तो भैया टाइम वाइम
वेस्ट ना हो, जल्दी से हम डेकोरेट कर दे। तो ये हमने फिल कर दिया, जल्दी से जार को बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी पहली आइसक्रीम बनाना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे मैंगो वाली आइसक्रीम। तो मैंने यहाँ पे मैंगो ले लिया है और अब हम इसे कट करेंगे, थोड़े से छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। उसके बाद में ये जो ट्रे है मैंने अब निकाल ली है, पूरी रात मैंने इसे रखा था। इसके ऊपर आपको इस मैंगो को स्प्रेड कर देना है और इसे थोड़ा सा क्रश करना है और इन दोनों जो स्क्रैपर है इनसे कुछ इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे आपको क्रश करते रहना है और चारों तरफ थोड़ा थोड़ा फैलाते रहिए। तो आपको थोड़ा थोड़ा मतलब ये जमना हल्का हल्का स्टार्ट हो जाएगा जैसे आपको दिख रहा होगा अभी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा आप मिल्क ऐड करिए और उसके बाद में और इसे थोड़ा सा क्रश करते रहिए, इधर उधर फैलाते रहिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, वैसे ही आपको करना है। और देख रहे होंगे यार साइड में ये काफ़ी ठंडा है, मुझे नहीं पता कौन सा लिक्विड इसके अंदर था बट ये अंदर से बहुत ठंडा है। और अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जब आप इसकी पतली सी लेयर बनाएंगे तो ये जमना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए आप किस तरह से जम रही है, ये बड़ा ही अमेजिंग है। तो यार मैं इसे ज़्यादा नहीं जमाऊंगा, मुझे इतना परफेक्ट लग रहा है। मैंगो वाली आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी, जल्दी से अब इसे कप में डाल लेते हैं और इसका मज़ा लेते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। बट उसके बाद में एक और आइसक्रीम ट्राई करेंगे, उसको भी ज़रूर देख के जाना। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे ओरियो वाली आइसक्रीम। तो मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट के ऊपर मिल्क उड़ेल दिया है, अब हम वैसे ही इसको क्रश करेंगे जैसा कि हमने पिछली बार किया था मैंगो के साथ में, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जल्दी से इसको क्रश करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, आपको भी इसे फैलाते रहना है, फैलाते रहना है, फैलाते रहना है और ये धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये जम जाएगा, उसके बाद आपको साइड से इसे आराम से धीरे धीरे निकाल देना। इस बार मैंने इसे थोड़ा सा ज़्यादा जमाया है, पिछली बार ज़्यादा नहीं जमाया था। तो आपको लग रहा होगा भैया मतलब बर्फ़ जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बट इस बार बर्फ़ जैसा थोड़ा बहुत आपको फील आ रहा होगा दिखने से ही। तो जल्दी से इसे निकाल के बाउल में डिपॉजिट कर लेते हैं। तो दोस्तों बाउल भर दिया, आप इसके ऊपर जल्दी से स्प्रिंकलर जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि ये और ज़्यादा बढ़िया लगे। और देखिए कितना मज़ा आ रहा है। इसके ऊपर आप क्या डालना है, थोड़ा सा ओरियो बिस्किट एक डाल देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए भैया ओरियो वाली आइसक्रीम है। और आप देखिए यार बहुत ही कमाल की लग रही है, मेरा मन कर रहा है भैया इसे खाने का, मैं वेट नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और ये मैंने चम्मच लिया और देखिए वाह दोस्तों मज़ा आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त आइसक्रीम बनी है भैया। एक और चम्मच यहाँ पे खाना पड़ेगा। वाह क्या टेस्ट है भाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा किस तरह से हमने स्किट की मदद से बहुत ही अमेजिंग आइसक्रीम बनाई, और मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यार इतनी छोटी सी ट्रे में इतनी अमेजिंग आइसक्रीम बन सकती है। बट आपने देखा कि जिस तरह से वो जम रही थी, और ओरियो की आइसक्रीम हमारे सामने और अभी भी ये काफ़ी ठंडा है। मैंने सिर्फ इसे एक ही रात रखा और देखिए दोस्तों अभी भी ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो यार ये बड़ी कमाल की ट्रे लगी, मतलब अब तक हम फ्रिज में मतलब आइसक्रीम जमा देते बट यार ट्रे के ऊपर आइसक्रीम बन रही है, मज़ा ही आ गया दोस्तों इस किट के साथ में। तो यहाँ पे भैया इस किट के लिए दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक का बटन आपकी आंखों के सामने, जल्दी से लाइक दबा दीजिए और एक कमेंट ज़रूर करिए, जो अच्छा कमेंट करेगा उसे मैं दूंगा यहाँ पे लाइक हर्ट्स वगैरह। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।